राजधानी शिमला स्थित रिज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई की प्रस्तावित रैली को लेकर सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए। रैली मंच के 60 मीटर के दो स्तर के घेरे में बंदूकधारी पुलिस सुरक्षा कर दी गई है। रैली होने तक 24 घंटे सुरक्षा रहेगी। 30 मीटर के पहले घेरे में लोगों का सामान्य आना जाना बंद कर दिया गया है। साथ ही रिज पर चर्च की तरफ आने जाने वाले खड़े नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को अधिकारियों की टीम के साथ रिज मैदान पर पीएम मोदी की रैली के प्रबंधों का जायजा लिया। जिन्हें सरकार के 8 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 31 मई को रैली का आयोजन किया जा रहा है। जयराम ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए अधिकारियों को सभी पुख्ता प्रबंध करने के दिशा निर्देश दे दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निर्देशक भी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव में बुधवार को सुबह 11:30 बजे मोदी शिमला पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि मोदी की रैली के संभवतः विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा। पीएम मोदी की रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी निकट भविष्य में दौरा होगा। पीएम मोदी की रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह का भी निकट भविष्य में दौरा होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पिछले 2 माह के दौरान चुनावी माहौल तैयार करके गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।